इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन, मॉर्निंग टाइम में सोलर मॉड्यूल के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ फॉग और मॉइस्चर की वजह से. रात में जो कंडेंसेशन हो जाता है उसकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स का एक्यूमुलेशन आपके मॉड्यूल के ऊपर होता है. और इसके साथ साथ जो वहाँ की लोकल सॉइलिंग है, जैसा कि मैंने अपने पास्ट वीडियो में बताया था, सॉइलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपके सोलर पावर प्लांट की अल्टीमेट एफिशिएंसी क्या रहने वाली है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉइलिंग. ठीक है, तो वो मिट्टी जब इस पानी के साथ मिलती है, दे फॉर्म सॉइलिंग टाइप का स्ट्रक्चर, कि जैसा कि आपको ऐसा दिख रहा है, एक हमें ऐसा डस्ट की लेयर मिल जाती है. नाउ व्हाट हैपेंस कि जब वो पानी इवेपोरेट होने लगता है तो उसमें जितने भी मिनरल्स और सॉल्ट होते हैं, इवेपोरेट होने के बाद एक कैल्सिनेशन प्रोसेस होने लगता है, जिसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा नमक होगा वो सॉल्टी होगा, तो एक अजीब सी हार्ड लेयर फॉर्म होने लगेगी आपके मॉड्यूल्स के ऊपर. अब ये सब ज्ञान मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भाई मार्केट में हो रहा है एक प्रोडक्ट को लेकर बहुत स्कैम, एंटी डस्ट सॉइलिंग कोटिंग. एक ऐसा जादुई तिलिस्मी नुस्खा जिससे सोलर इंडस्ट्री के सारी मुसीबतों का अंत हो जाएगा. और शुड आई प्रोबेबली से दैट इस नुस्खे को बेचने वालों की तो मूर्ति बननी चाहिए, मतलब मार्केट में पढ़े लिखे लोग इसको खरीद भी रहे हैं, इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं साइट पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई डियर फेलो इंजीनियर्स, यू कैन नॉट प्रोटेक्ट एनी बॉडी फ्रॉम सॉइलिंग इफ इट इज एक्सपोज्ड अंडर द ब्राइट सनलाइट. धूल तो गिरेगी यार, अगर आप बाहर खड़े हो तो धूल तो पक्का गिरेगी. सो बेसिकली जिस चीज़ को यहाँ पे एंटी डस्ट कोटिंग कहा जा रहा है, इट इज नथिंग बट अ हाइग्रोस्कोपिक जेल विच इज लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट. तो होता क्या है कि बेसिकली इसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जा रहा था बहुत सारे समय से. अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको मालूम होगा कि बारिश के टाइम पे कैसे साइड मिरर्स में और फ्रंट मिरर में फॉग होने लगता है और वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से लेन चेंज करने में, शीशे में देखने में बहुत प्रॉब्लम आती है. सो देर इज़ अ हाइग्रोस्कोपिक कोटिंग कि जब उस पर पानी गिरता है तो पानी की जो ड्रॉपलेट्स होती है इट डजेंट स्टिक टू द ग्लास, बट इंस्टेड जब गाड़ी स्पीड में चलने लगती है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स स्लिप होकर गाड़ी से हट जाती है और हमारा शीशा ऑटोमेटिकली साफ हो जाता है. इट इज़ ओनली पॉसिबल जब आपका ग्लास ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ऐसा परपेंडिकुलर होगा, तभी वाटर ड्रॉपलेट्स अपने आप स्लिप हो पाएंगी. अगर कोई फ्लैट सर्फेस होगा और उस पर हाइग्रोस्कोपिक कोटिंग हम करते हैं और पानी की ड्रॉपलेट डालते हैं, तो वो ड्रॉपलेट उसी पर गिरी रहेगी, कहीं पर भागेगी नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोलर इंडस्ट्री में जो लोग इस जेल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं रूफ टॉप प्रोजेक्ट्स के लिए, जहाँ पे मॉड्यूल्स का जो स्लोप है, जो टिल्ट एंगल है, बहुत ही कम है, सो इट्स अ सुपर फ्लॉप आइडिया. ठीक है, दूसरी उन जगहों पे जहाँ पे बर्ड ड्रॉप्स का इशू बहुत ज़्यादा है, अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी फ्लॉप आइडिया. फिर भी इस प्रोडक्ट को बेचने वालों का क्लेम ये है दैट दिस इज़ अ मॉडर्न सोल्यूशन टू अ वेरी मॉडर्न प्रॉब्लम एंड दोज हु आर नॉट बाइंग इट आर लूजिंग इट. बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आ रहा था कि सर मेरी साइट है और मैं ये हाइग्रोस्कोपिक जेल लगाना चाहता हूँ, नैनो कोटिंग कोई इसको बोल रहा है, बहुत ही एडवांस लेवल के लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये कोटिंग वो कोटिंग डस्ट रिपेलेंट कोटिंग दुनिया भर का. सो आई वाज आल्सो लाइक कि भाई ये चीज़ है क्या. तो अल्टीमेटली बहुत सारे इसके मैन्युफैक्चरर्स ने भी मुझे अप्रोच किया कि सर आप मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, बट आई माई सेल्फ ऑन माई पर्सनल लेवल जब मैं कोई चीज़ नहीं यूज़ किया रहता हूँ तो उसके बारे में मैं कभी भी ज्ञान नहीं बांटता. तो मुझे लगा कि ट्राई करके देखते हैं, तो फिर मैंने ये जेल मंगवाई. एक पर्सनल लेवल पे मैंने टेस्ट करके देखा कि भाई इवेंचुअली ये जेल अगर हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में तो फीजिबल होगा कि नहीं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. ओके, लेट्स सी द टेस्ट. सो गाइस, दिस इज द हाइग्रोस्कोपिक जेल, आल्सो नोन एज द डस्ट रिपेलेंट जेल और द नैनो कोटिंग. आई हैव ब्लर्ड इट सो आई डोंट गेट एनी कॉपीराइट स्ट्राइक. सो आई टुक इट ऑन अ कार्ड एंड एज पर द सप्लायर हमने इसको मॉड्यूल के सेल्स पे एक पर्टिकुलर रो पे कोट कर दिया. हेयर यू कैन सी द डिफरेंस वेयर वी हैव कोटेड द जेल एज कम्पेयर टू वेयर वी हैव नॉट कोटेड द जेल. एंड देन वी पुट सम मड कोटेड एरिया पे एंड नॉन कोटेड एरिया पे कि पानी डालने के बाद उसका क्या रिजल्ट होगा. तो आप देखिए पानी यहाँ पे हम डाल रहे हैं, पानी डालते ही आई कैन सी दैट दी हाइग्रोस्कोपिक एरिया जहाँ पे हमने इस पेस्ट को लगाया है, इस जेल को लगाया है, द वाटर इज़ स्लिपिंग स्ट्रीमलाइन, थोड़ी थोड़ी पानी की लहर बन जा रही है बट पानी चिपक नहीं रहा है.
एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे हमने कोटिंग नहीं की है वहाँ पे एकदम इवेंटली पानी चिपक जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्लियर दिख रहा है गाइस कि इस मॉड्यूल पे हमने जेल लगा रखा है तो पानी स्लिप होकर नीचे गिर जा रहा है, जिस तरीके से एक वैक्स ही कोई सरफेस रहता है जैसे वैक्स का। ऊपर वाले सेल्स पे हमने नहीं लगाया है जेल तो देखिए पानी इवेंटली चिपक जा रहा है, मगर नीचे ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए ऊपर कैसे इवेंटली पानी की एक आपको शाइनिंग लेयर दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमने जेल नहीं लगाया है। साइड मॉड्यूल में भी एकदम इवेंटली पानी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ये बात तो एकदम सही है कि अगर हम जेल लगाएंगे तो पानी इस पर रुकेगा नहीं बल्कि स्लिप होकर नीचे गिर जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एकदम प्रॉपर शाइन मिल रहा है, इधर यहाँ पे पानी की एक भी लेयर चिपक नहीं रही है। कितनी भी डस्ट रिपेलेंट कोटिंग कर लीजिए, आएगी तो चिड़िया की सिर्फ पॉटी ही, और ये इतनी हार्ड होती है कि छूटती भी नहीं है और इतनी एसिडिक होती है कि जहाँ पे भी आपने हाइग्रोस्कोपिक कोटिंग की होगी तो वो डैमेज हो जाएगी। एक्चुअली में प्रॉब्लम चिड़िया नहीं है, प्रॉब्लम हम इंसान हैं जिन्होंने उनका नेचुरल हैबिटेट को ख़राब करके बिगाड़ के पेड़ काट के ये बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट लगा दिए हैं। सो वी आर द कल्प्रिट नॉट द एनिमल्स। इन द एंड ऑफ द टेस्ट ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि भाई चूना लग चुका है, एंड इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ प्रोडक्ट अगर आप सिटी में रह रहे हैं, बिकॉज देयर यू विल हैव बर्ड ड्रॉप प्रॉब्लम। इवेंचुअली सॉइलिंग बहुत ज़्यादा हाई रहती है, एंड सॉइलिंग इज़ नॉट ओनली डस्ट बट इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एशफॉल्ट, मेटल पार्टिकल्स एंड ऑल दीज थिंग्स। डेफिनेटली इट विल स्क्रब एंड द नैनो रिफ्लेक्टिव कोटिंग विल इवेंचुअली इवेपोरेट अंडर द सन। कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे ये जेल इम्प्लीमेंट करना बेवकूफ़ी लगा, बिकॉज इस कोटिंग को करने के लिए आदमी मैन पावर लगेगी भाई, यू विल रिक्वायर टूल्स, और बड़े स्केल पे इसको करना तो और भी बड़ी बेवकूफ़ी होगी बिकॉज इट विल रिक्वायर इमेंस अमाउंट ऑफ मैन पावर। और जो अभी इस मार्केट में रेट चल रहा है इस हाइग्रोस्कोपिक एंटी डस्ट रिफ्लेक्टिव कोटिंग जिसको कहा जा रहा है, विच इज़ नॉट, तो बहुत ही महंगे दाम पे बेचा जा रहा है, और जो प्रोडक्ट का केमिकल कंपोजिशन है उसको ऐसा सीक्रेट फार्मूला बताया जा रहा है, सोच भी नहीं सकते आप। जेल वही है जो गाड़ी के शीशे पे लगता है, हाइग्रोस्कोपिक जेल टू प्रिवेंट फॉग। गाड़ी की दुकान पे जाएंगे तो 150 रुपये की पॉलिश मिलेगी, और नैनो कोटिंग बोल के किसी मैन्युफैक्चरर से लेंगे तो वही चीज़ आपको 2500 रुपये की पड़ेगी। सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी एंड रिसोर्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, सावधान रहें, सतर्क रहें, पानी की बर्बादी ना करें, ड्राई क्लीनिंग सोल्यूशन का इस्तेमाल करें। दिस इज सोलर इंडस्ट्री। People don't want to save the planet. They are sitting inside an air-conditioned office telling that we are a green company. So nobody wants to save the planet. Everybody is just doing business in the name of clean and green energy. The maths is really simple, that here we are trying to capture solar radiation, which is going to be for another billion years. But the catalyst which we are using to enhance the generation is the fresh water which could have been processed and utilized for drinking, which we are not understanding, and eventually we will understand in the upcoming time. Probably it will be very late by then. So if you're new to the solar industry and you don't know this, then you are losing your clients, your revenue and your plant performance. Having the knowledge of solar PV plant data analytics will allow you to find the root cause of underperformance during daily plant operation. Installing a solar plant is an incomplete success if it is not giving out proper output, because if there is a reduction in the power production, then your investment in the solar power plant is just slipping out of your hand. So if you are looking for a promising future in the solar energy sector but you haven't seen my YouTube channel, then consider subscribing it, as I am sharing my golden experience and tips and tricks to master this technology like a true professional. In this amazing course, you will learn the skill to analyze the data with respect to the operational solar plant components to bypass any kind of underperformance and get the best out of it. This course is absolutely important for engineers, business owners, consultants who are already working or want to work in the solar energy photovoltaic sector. Trust me, without this highly demanding skill, your journey to success in this industry is incomplete.